हाँ रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गया अच्छा अच्छा आज हमारा लेक्चर नंबर नाइन है ठीक है लॉग इन विथ फेसबुक ये वाला लेक्चर हम ना स्वैप करेंगे इस लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर इलेवन सो so, लेक्चर नंबर इलेवन हम पहले पढ़ेंगे फिर लेक्चर नंबर जो नाइन है ना हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है लाइक टुडे वी विल स्टडी कोकोपॉड्स एंड ऑन नेक्स्ट सैटरडे वी विल स्टडी सोशल मीडिया इंटरेक्शन सोशल मीडिया इंटरेक्शन लॉग इन विद फेसबुक ठीक है क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने, अच्छा, करने के लिए वी नीड टू नो अबाउट दिस कोकोपॉड्स अच्छा किसी को आईडिया है कोकोपॉड्स क्या होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए हाँ बिल्कुल करेक्ट और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से क्या मतलब है इसको थोड़ा लैबोरेट कर सकते हैं जो भी आपके थर्ड पार्टी लाइक कुछ भी जो भी, भी माइंड में आ रहा है जस्ट थ्रो इट आउट जो भी माइंड में hmm. सो थर्ड पार्टी मीन जो 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 स्विफ्ट पर डेवलप नहीं है या किसी और कोडिंग में लैंग्वेज में मे बी ठीक है नो आईडिया सर हां एक हद तक ठीक है अच्छा मैंने आप लोगों को आई थिंक सो बताया कि नहीं बताया कि हमारे पास जो एप्पल का जो, जो जो चीज अवेलेबल है ना जो एप्पल के एसडीके प्रोवाइड करके देता है वो हमारे पास सब वो जो है हमारे एक्स में पहले से ही अवेलेबल है हमारे पास ठीक है लाइक like अगर मैं ओपन करूं ये थर्ड पार्टी की एक ऐप बनाई हुई है इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं, ओपन हो रहा है जिसकी सेकेंड ड्रॉप हो गया ठीक है अच्छा तो फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा प्रोजेक्ट और आपको डिफरेंट सा लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या हमारे पास जितने भी इधर हमारे पास ऑप्शन होती है लाइब्रेरीज की अगर आप देख सकते हैं हाँ फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज एंड इम्बेडेड कॉन्टेंट इसको जब हम ये प्लस का बटन है एड आइटम का बटन है ये अगर हम एड करेंगे तो हमारे पास ये देखें ये वर्क ये हमारे पहले ये दो ये आगे आ, प्रोजेक्ट की फाइल्स आगे दोनों ठीक है इसको स्किप करके जो थर्ड फाइल आती है आपकी आईओ एस फोर्टीन पॉइंट वन है ठीक है तो आईओ एस फोर्टीन पॉइंट वन पे जितने एप्पल ने फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज सारी बनाई हुई है वो हम ऐड कर सकते हैं थ्रू दिस ठीक है और हम कोड में ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को याद हो कि आप लोगों ने कभी हेडर फाइल बनाई है या लाइब्रेरी बनाई है आपने सी में जी सर हेडर फाइल्स बनाई है हेडर फाइल्स बनाई है हाँ ठीक है ये होती क्या है बेसिकली आप बता सकते हैं कुछ आ, सर हेडर फाइल में जो सा है इसके क्लास uh, के फंक्शंस जो होते हैं जो क्लास ने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं उनकी डिक्लेरेशन की जाती है आई थिंक सो या फिर आई uh, थिंक अच्छा मैं गलत कह रहा हूं नहीं नहीं अच्छा ठीक है आ, आप सही सही तरफ ही जा रहे हैं अच्छा मुझे एक बात बताएं सिंपल आप लोगों ने सी प्लस प्लस की या सी की तो की होगी लाजमी डेवलपमेंट ठीक है इधर आपकी इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स होती हैं ये ये क्या होती है इम्पोर्ट क्या, क्या होता है है इसका क्या मीनिंग होता है? कोई आइडिया ये इम्पोर्ट हम तर, क्या कर रहे होते हैं सर आई थिंक यूआई किट कोई एक लाइब्रेरी है जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं हाँ बेसिकली ये तो हमारी लाइब्रेरी हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है ये लाइब्रेरीज है बेसिकली ठीक है ये ट एक लाइब्रेरी है स्विफ्ट एक लाइब्रेरी एलमोफाइड एक लाइब्रेरी है, है? तो तो, प्लस प्लस स्ट्रीम होती थी करते करते थे थे तो बेसिकली ये होती हैं आपकी ठीक है और ये हेडर फाइल में आप लाइब्रेरी बनाते हैं ऐसे ही है डॉट एच की फाइल होती है आपकी सी प्लस प्लस में ठीक है इसमें डॉट स्विफ्ट के नाम से ही हेडर फाइल बनती है आपकी ठीक है तो आपने उसको नहीं मिक्स करना ये हेडर फाइल टाइप ही होता है हेडर फाइल में होता क्या या आपकी लाइब्रेरी होती क्या बेसिकली लाइब्रेरी ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं दोबारा उस पेज पे आता हूँ लाइब्रेरीज कर दिया था तो बेसिकली ये जो हमारे पास ये क्लासेज ही हैं ये क्या है हमारे पास क्लासेज हैं ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए आर किट की क्लास को मैं क्लिक करता हूँ और एड करता हूँ ठीक है तब ये मेरे प्रोजेक्ट में ऐड होगा वरना ये ऐड नहीं होगा ठीक है जिस तरह मुझे याद है सी प्लस पे मैथ डॉट एच की एक लाइब्रेरी होती थी जी सर। हाँ वो लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करते थे हैश टैग के साथ टॉप पे ठीक है जहां हेडर फाइल्स हम इंपोर्ट करते थे ठीक है और अगर जब हम मैथ डॉट एच ऐड करते थे अपने फाइल में ठीक है तो नीचे हम अपने क्लास में उसके उसके फंक्शंस हम यूज कर सकते थे ठीक है मतलब कि हमने एक्सेस दे दी उस लाइब्रेरी की उस क्लास में ओके लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लाइब्रेरी ऐड करूंगा तो ये लाइब्रेरी के सारे फंक्शंस मेरे पास एक्सेसिबल होंगे जहां पे इसको मैंने इंपोर्ट किया होगा ठीक है सबसे पहले एक स्टेप आपने ये जेन में रखना कि अगर जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐड कर दिया ये मेरा ऐड तो हो गया ठीक है, है मगर ये मेरे इसमें अभी मैंने यूज नहीं किया चीजों को अपनी क्लास पे मैंने यूज नहीं किया प्रीव्यू कंटेंट क्या आ रहा है इसका व्यू कंट्रोलर भी नहीं है चलो ठीक है तो ये मेरे पास यहां पे मैंने इसको इंपोर्ट करूंगा तो ही मेरे पास इसकी एक्सेस होगी एक मिनट हाँ, इसकी एक्सेस होगी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आ, ए आर ये किट ठीक है और इसकी फंक्शनैलिटी जितनी भी ए आर किट की मेरे पास जब टू तो डेफिनेशन कर रहा हूं मैं ये लाइब्रेरी है तो थो थोड़ा ओपन करने में टाइम ले रहा है ये सारे अब ए आर किट में मेरे पास एक्सटेंशन है ठीक है ए आर किट में ए आर एंकर ए आर किट में ए आर बॉडी ये सारी जो है उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं ए आर किट की ए आर किट इज अ पेरेंट क्लास तो बेसिकली ये लाइब्रेरी है लाइब्रेरी में क्या है लाइब्रेरी में इज अ होल सेक्शन ऑफ न्यू थिंग्स ठीक है न्यू फंक्शन रिलेटेड टू दिस लाइब्रेरी अच्छा जितने भी ये लाइब्रेरीज में आपको भी दिखा रहा हूं ये कौन सी हैं जो एप्पल ने बनाई हुई है एप्पल डेवलपर्स ने ठीक है फॉलो करें आप बात को ताहिर एंड आतिफ जी सर जी ठीक है अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन रेज होता है कि फॉर एग्जांपल हम एप्पल की लाइब्रेरी नहीं यूज करना चाह रहे अब जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी मतलब कि फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया इंस्टाग्राम हो गया हमारा हमारी थर्ड थर्ड पार्टी फॉर एग्जांपल इतनी इतनी बड़ी हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप एब ए डब्ल्यू एस आज आपने नाम सुना उसको ठीक है जितनी हमारे पास क्लाउड प्लेटफॉर्म हमारे पास फायर है ठीक है हमारे पास वी हैव मल्टीपल डाटा बेसिस विच वी कैन इंटीग्रेट iOS, फॉर एग्जाम्पल आज, आज आप डाटा बेसिस नाम किसी को आता होगा थर्ड पार्टी कौन कौन सी चल रही है मार्केट में किसी किसी जगह पर ना में रिम भी है भी भी है, भी है हमारे पास मोंगो डीबी का भी नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने वो भी डाटाबेस है हमारे पास ठीक है और भी आजकल काफी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्योंकि आपको पता है हर आए दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता आता रहता आता रहता तो वो भी सारी लाइब्रेरीज भी हम यूज कर सकते हैं अच्छा ये जो डेवलपर्स ने बनाया हुआ ना ये फॉर एग्जाम्पल मोंगो डीबी रीम फायरबेस ये एप्पल के डिवेलपर तो नहीं है ना ठीक है ये हमारे पास थर्ड पार्टी है मतलब कि जिसके साथ एप्पल का नाम नहीं लगा हुआ ये एप्पल नहीं है ठीक है इंटरनली तो उसको हम क्या कहेंगे थर्ड पार्टी ओके हम क्या कहेंगे उसको थर्ड पार्टी कहेंगे जो एप्पल नॉन एप्पल जो है ना वो हम थर्ड पार्टी कहेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल गूगल की एपीआई है ठीक है सबसे तो ज्यादा यूज होती है गूगल मैप्स ठीक है जैसा फेसबुक की एप्लीकेशन हम जो ओपन करते हैं किसी को रेस्टोरेंट को फाइंड आउट करते हैं तो गूगल मैप्स का गेट डायरेक्शन का आता है ना आपके पास ठीक है जीज़े. उसके पेज पे या उसके अबाउट पे तो वहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो सीधा वो डिड करता है किस पे गूगल मैप्स पे ठीक है तो वहां पे आपका वो आ जाता है वहां पे तो फेसबुक में वो गूगल मैप भी इंटीग्रेट हुआ है हालांकि फेसबुक ऑन नहीं करता उसको तो इसमें कंपनी का क्या फायदा है कंपनी का ये फायदा है कि ट्रैफिक आ जाती है और आपको लाइसेंसिंग चार्जेस भी होते हैं मिनिमल ठीक है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इस इसपे काम करती हैं आगे पास वेदर की इतनी एपीआई है उस पर भी हम यूज कर सकते हैं मतलब कि फॉर एग्जाम्पल नॉन एपल जो है ना हमारे पास जितनी भी लाइब्रेरीज हमने इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं हम इसके साथ आईओ के साथ तो वो जो है हम जो है ना उसके थ्री मेथड्स हम आज पढ़ेंगे ठीक है वैसे थी तो थी चार मेथड्स हैं ठीक है स्टेप बाय स्टेप पहला मेथड बताता रहता हूँ उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका आपको अच्छा तो मैं ऑनलाइन नोटपैड खोलता हूँ मैं आपको मेथड्स लिख देता हूँ और इसकी मैं रेशियो भी बता देता हूं कि कितना वो जी तो हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आर आर आई है लाइब्रेज इंटीग्रेशन मेथड्स In iOS. तो सबसे पहले जो टॉप पे है हमारे पास तो हम सारी ये फाइल्स को मैनुअल भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ठीक है ठीक ये है ये मैनुअल का तरीका होता क्या है वो बड़ा सिंपल सा होता है गिट का पता आप लोगों को जी जी अच्छा गिट जो है क्या है हमारे बेसिकली हमारी प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी हम उसपे सेव करते हैं बेसिकली अपने कोड को क्लाउड पे रख देते हैं शॉर्ट ठीक है जब कोड को क्लाउड पे रखेंगे और किसी और बंदे ने यूज करना तो उसको हम जो है वो मल्टीपल वे से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने आईओएस के प्रोजेक्ट में ठीक है तो सबसे पहले जो इजीली हर प्रोजेक्ट जो आपका हो सकता है वो मैन्युअली हो सकता है मैन्युअली में क्या होता है उस कोड को हम डाउनलोड करेंगे ठीक है डाउनलोड करके हम उस कोड को क्या करेंगे ये तो जूम ओपन हो गया एक्सकोड डाउनलोड करके हम इसको क्या करेंगे हम इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे फ्रेमवर्क इसमें जाके ठीक है इधर से हम ऐड करेंगे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्रोजेक्ट में एम्बेड करके पहले हम एक्सकोड में ऐड करेंगे फिर एक्सकोड से बाहर हम वो सारा प्रोसेस है सात आठ स्टेप्स का ठीक है अगर आप कोई भी जो है उसको देखेंगे गूगल करेंगे हाउ टू मैन्युअली इंटीग्रेट लाइब्रेरी इन आईओएस ठीक है तो वो आपको इजीली बता देगा किस तरह किसना किसना किस करेंगे और ये लाजमी आपने लाइफ में एक दफ़ा लाजमी करना है ठीक है उसका फायदा क्या है उसका फायदा ये है कि जो हम जो हम टूल्स यूज करेंगे ना बेसिकली आगे फॉरवर्ड लाइक इंटीग्रेशन के लिए तो वो उसी मेथड से हो रहे होते हैं बेसिकली तो आपको स्टेप बाय स्टेप अंदाजा हो जाता है कि यार क्या क्या आ, किस किस वे से कौन कौन से स्टेप से हम लाइब्रेरी को ऐड करना चाह रहे हैं ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैनुअली एड करना चाह रहे हैं मैंने डाउनलोड की कोई फाइल डाउनलोड करके मैं इसके अंदर एड करता हूँ फिर हमारे पास बिल्ड सेटिंग्स में बिल्ड फेजेस में हमारे पास दो तीन और कन्फिगुरेशन होती हैं जो हमने करनी होती हैं और बिल्ड सेटिंग्स में सॉरी बिल्ड फेजेस में हम देखेंगे तो कंपाइल सोर्से देखेंगे यहाँ पे भी होते हैं लिंक लाइब्रेरीज भी आपने यहाँ पे भी लिंक करना होता अपना, है अपना ठीक है कॉपी अगर है कॉपी भी, भी करनी होती है ये तीन चार कन्फिग्रेशन है जो आपने करनी होती हैं है लास्ट में ठीक है मैनुअली में तो आपने लाजमी जो है ना एक दफा अपनी लाइफ में अपने करियर में एक दफा मैन्युअली भी इंपोर्ट करना है आपने ठीक है ठीक सर। अच्छा फिर जो हमारे पास जो टूल्स हैं जो इजी हमारा कर हमारा काम इजी कर देता है टूल्स नहीं कहेंगे हमारे पास हम इसको कहेंगे बेसिकली मेथड्स कहेंगे ठीक है तो सबसे पहले मेथड हमारे पास टॉप पे है कोको पॉट ठीक है फिर हमारे पास आता है Uh, क्या नाम उसका गिव मी अ सेकंड कोकोपॉड्स के बाद हमारे पास आता है ये मुझे तीन से निकल गया फिर स्विफ्ट मैनेजर और कौन सा होता है कि एलमो फायर सी सी नाम था उसका कार्टेज तो हमारे पास ये तीन मेथड्स होते हैं जो हम मैन्युअल ऑटोमेट आटोमे, ऑटोमेट ये ऑटोमेटेड प्रोसेस होते हैं जो हम सिंपल एक यूआरएल देते हैं ठीक है उस यूआरएल के बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली उस फाइल उस लाइब्रेरी को डाउनलोड भी कर लेता है और अपने एक्सकोड हमारे एक्सकोड में वो इंटीग्रेट भी कर देता है ठीक है तो सिंपली वी जस्ट हैव टू इंपोर्ट यूज आवर इंपोर्ट

तो mostly common जो है आपके जो इंटरव्यू के भी होंगे में कि कि आपको का पता है कि नहीं पता? वो आपसे का नहीं पूछेंगे आपसे स्विफ्ट मैनेजर का नहीं पूछेंगे आपसे क्या पूछेंगे कोको का क्योंकि एट्टी फाइव परसेंट एट्टी फाइव टू नाइन परसेंट जो है ना आपकी मार्केट यही यूज है ठीक है शुरू से तो इसका इसको हम पहले देखेंगे हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं तो बेसिकली कोको इज इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम ठीक है ठीक है हम एक ये लाइव सेशन करेंगे हम कोको इंस्टॉल करेंगे तो सारे सारे गूगल पर हाउ टू इंस्टॉल कोको आ गया इसमें हमारे पास स्टैक ओवर फोर का लिंक आ रहा है हमारे पास फोर्थ फोर्थ रिंग मेरे पास आ रहा है स्टैक फ्लो का वो आपन, आप लोगों ने ओपन करना है ये आप सारे ओपन कर लें साथ साथ ठीक है अपने मैक का सिस्टम सबका ऑन है जी सर ताहिर आपका भी ऑन होगा आतिफ दी आपका दी भी ऑन है।, है और हसीब आपका ऑन है या नहीं है यस सर मैक ऑन है आपका सर बस ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों ने कमांड स्पेस बार के साथ या लॉन्च पैड में आप आएंगे लॉन्च पैड आपका लॉन्च पैड नजर आ रहा है आपको नीचे वाली बार मेरी इसकी पे। हाँ इसको ओपन करेंगे तो इसपे हमारे पास इधर आता है सर्च ये सर्च आ रहा है हमारे पास हमने लिखना है यहाँ पे टी आर लिखा नहीं जा रहा पे चलो हम अदर से खोल लेते हैं ये बात पास टर्मिनल आ रहा था ठीक है जिस तरह आपका सी होता है उसके अंदर विंडोज में हमारे पास मैक या लिनिक्स में क्या होता है टर्मिनल होता है ठीक है यह हम वायर टर्मिनल ऐड करेंगे इसको आप लोगों ने कभी वो इंस्टॉल किया इस पे याद नहीं आ रहा मुझे लिनक्स यू लिनक्स ओएस पढ़ी होगी आप लोगों ने

अच्छा स्टैक ओवर फ्लो को जो स्टूडेंट्स है वो उसको मैं पढ़ने का तरीका ही बताता हूँ सबसे पहले जो आपका होता है ये आपका क्वेश्चन होता है और सबसे पहले पोस्ट जो होती है आपकी स्टैक ओवर फ्लो ये पहली पोस्ट है आपकी थ्री ट्वेंटी फिफ्थ पोस्ट है ये ठीक है ये उसने अपना मसला बताया होता है जो इशू है ना वो इस पे लिखा होता है सबसे पहले स्टेटमेंट आपकी इशू की होती है ऐसे होता है स्टार्टिंग में कि बच्चे जो है ना ये स्टार्टिंग में कहते हैं सर ये है। पहला पहला नहीं होता आपका ये आपका इश्यू होता है ठीक है उसके बाद जो है ना ये आपका पहला सलूशन स्टार्ट हो गया ठीक है अच्छा पहले सलूशन में आपने खोलना है जो जो स्टेटमेंट्स यहां लिखी हुई है ये आपने रन करनी है यहाँ पे तो सबसे पहले आपने इसको कॉपी करना है इधर आपने पेस्ट करना है ठीक है एंटर करेंगे ये आपका सिस्टम का पासवर्ड मांगेगा आपने अपने सिस्टम का पासवर्ड इसमें दे देना है सिस्टम तो का पासवर्ड लिखेंगे तो इसमें कोई ब्लिंकिंग या कुछ नहीं होगा आपका सिर्फ आपको कुछ नहीं नजर आ रहा होगा आपने पासवर्ड लिख के एंटर कर देना है एंटर करके आपने छोड़ देना है फिलहाल इसको ठीक है ये आपका रन हो रहा है इस तरह ये आप साथ साथ करते जाएं काइंडली आप लोग भी ये मुझे काइंडली सारे बताइएगा ये सारा पहला स्टेप हो गया सबसे कि नहीं हुआ काइंडली अपने माइक ओपन करें इंटरैक्टिव जरा सेशन रखना चाह रहा हूं मैं आप लोगों का क्योंकि ये फिर बाद में इंस्टॉल नहीं होगा आपसे हसीब ताहिर ये पहला स्टेप अगर हो गया आप लोगों से तो काइंडली मुझे बताएं जी सर हो गया अच्छा पहला स्टेप हो गया पहले स्टेप में अब ये सारा ये आपकी लाइनें सारी एग्जीक्यूट होगी और आपका ये ये आ गया दूसरा दोबारा आपका ब्लिंकिंग कर्सर आ गया यहाँ पे अच्छा मेरा भी आ रहा है थोड़ी देर में बताता हूँ तो। ठीक है आतिफ आपका आया अभी नहीं आया, आया अच्छा आते सॉरी ताहिर आपका हो गया आ, सर हो रहा है हो रहा है ठीक है चल रहे हाँ अच्छा ये जब आपकी ये रन हो जाएगा तो आपके पास इस तरह का दोबारा आएगा एप्पल मैक या आपकी स्टेटमेंट दोबारा आएगी लेफ्ट साइड पे ठीक सर ये जब आएगी तो काइंडली मुझे बताइएगा ना टाइम लेता नहीं होता वैसे विषय हो गया हसीब आपका हुआ है तो मेरा भी हो रहा है ठीक और हसीब आप म्यूट पे हो यार सर वो पासवर्ड बात नहीं एंटर नहीं हो रहा पासवर्ड आपके सिस्टम का क्या है मैक का तो पता नहीं नहीं क्या दोबारा पासवर्ड लगाएं सर ध्यान से पासवर्ड लगाएं वो आप ना वो उसपे नजर नहीं आ रहा ना कि क्या कितने आपने अल्फाबेट्स एंटर किए अपने पासवर्ड के तो आप ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा आतिफ हो गया ताहिर हो गया जी सर ठीक है आतिफ का हो गया ताहिर आपका हो गया सर हो तो गया कर्सर भी आ गया आ, बट, जिस जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वैसे नहीं आ रहा मेरा नहीं नहीं इसका उसकी आप टेंशन लें क्योंकि मेरे में इंस्टॉल्ड है पहले से ठीक है ओके। आपने बस देखना है जब वो, आपने कमांड रन किया तो कमांडी एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई ठीक है? है सर वो हो वो होगी अच्छा ठीक है कमांड आपकी एक तो आपने ये अब आप दूसरी कमांड आपने ये रन करना है इसमें ठीक है आपने कॉपी करना है ये और आपने इसको रन करना इसको इस तरह दोबारा आप लिखेंगे एंटर करेंगे तो फिर दोबारा जो है ना आपकी कुछ स्टेटमेंट्स रन होंगी ठीक है आप लोगों ने यही वाला लिंक ही खोला वरना जो मैंने खोला जी सर नजीब आपको पासवर्ड एंटर हुआ कि नहीं हुआ हो गया अच्छा इसी तरह दूसरे के बाद आपने तीसरी स्टेटमेंट भी आपने कॉपी करनी है और आपने एंटर करना है इसके अंदर ठीक है फिर एंटर करने के बाद आपने एंटर, एंटर आपने, एंटर आपने कीबोर्ड पे प्रेस कर देना है। और इसी तरह आपका ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा अच्छा तीन स्टेटमेंट्स होगी सबकी तो मुझे बताइएगा जब तीन स्टेटमेंट्स होंगी सबकी रन कर रही है। ठीक है।, है सर होगी आतिफ आप कहां तक पहुंचे हो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सर मेरी भी हो गया ठीक है सीब आपकी हुई है सर वो पासवर्ड एंटर ही हो रहा है मैं दोबारा से ना वो करके ऑन करता दूं चलो ठीक है आप ये साथ साथ ये स्टेप्स देख ले मेरे स्क्रीन पे ठीक है आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप आपने सिंपल ये सारे स्टेटमेंट्स ही रन करनी है ठीक है ओके सर फिर आपने क्या लिखना है आप लोगों ने पॉड सेटअप फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है इसको एंटर करेंगे पॉड सेटअप को आप चला लें एक दफा सबने रन कर लिया पॉड सेटअप फोर्थ स्टेटमेंट है, है यह जी सर ये पॉड सेटअप है ना हाँ जी जी सर हो गया कंप्लीट कंप्लीट नहीं हुआ आपका ये हो गया कंप्लीट तो मुझे तो यहाँ पे ग्रीन में शो कर रहा है सेटअप कंप्लीटेड सेटअप कंप्लीट हुआ कि आपका एप्पल का आ रहा है इस तरह का दोबारा दोबारा कर सर आ रहा है रूट पे जी सर आ रहा है चलें ठीक है फिर आपने ये थर्ड फिफ्थ स्टेटमेंट करनी है ये वाली पॉड सेटअप रिवर्स स आपका भी आते फिर देर तक पहुंच गया जी सर इसको एंटर करेंगे इसको लगेगा टाइम आप लोगों को ये कंप्लीट हुआ ही है ये डाउनलोडिंग uh, हो रही है कुछ आपको ब्लिंकिंग हो रही है कुछ स्टेटमेंट्स रन हो रही है आप लोगों की सर मैंने तो ये पॉड सेटअप कर वो भी एंट्री किया मेरा साथ सेटअप कंप्लीटेड आ गया आपका हो गया जिसका हो गया वो काइंडली पॉड डैश डैश वी आर एस आई ओ वन करें जो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया पॉड स्पेस डैश डैश वी ए आर साइओ वन करके एंटर करें सही जो लास्ट स्टेटमेंट आपने कि ये पॉड सेटअप डैश डैश वर्बस हाँ वो आपने कर लिया

तो आपके पास यहाँ पे पॉड का वर्जन आ रहा होगा जो इंस्टॉल हो गया आपका 1.8.4 मेरा है आप लोगों का क्या 1.8.6 होना चाहिए आप लोगों का सर 1.10 है ठीक है 1.10 ना आतिफ आपका क्या है? तो गौर अच्छा, से देखा होगा आपकी पे कोई रूबी रूबी जेम जेम करके इंस्टॉल हो रहा होगा आप लोगों हो का ठीक है मेरा पहले इंस्टॉल है तो मेरा नहीं आ रहा ठीक है आप लोगों की स्क्रीन थोड़ी चेंज होगी तो बेसिकली अगर आपको पता हो ये जो कोको पोर्ड्स है वो बेस करता है रूबी पे ठीक है रूबियन रेल्स का पता है किसी को नाम सुना है थोड़ा सा रूबी लैंग्वेज हाँ ये सही बोला ये बेसिकली डेवलपमेंट लैंग्वेज है वेब की ठीक है ये फ्रेमवर्क है रूबियन रेल्स ठीक है तो रूबी बेस करता है बेसिकली किस पे लिनिक्स पे ठीक है ये उसकी फैमिली चल रही है लिनिक्स के आगे फैमिली है रूबी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रूबी के आगे ये रूबी बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमने बेसिकली इस पे इंसर्ट किया है? अच्छा ठीक हो गया ये इंस्टॉल हो गया आपका अच्छा ये कोकोबोर्ड्स की एक वेबसाइट भी होती है ठीक है इसको भी इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ नॉट एन इश्यू ठीक है अच्छा इसमें होता क्या है सबसे पहले आपने अपने सिस्टम में कोकोपोर्ट इंस्टॉल करना है ठीक है जब इंस्टॉल हो गया आपका तो फिर हमने कोको को दोबारा किसमें इंस्टॉल करना होता है अपने कोड के प्रोजेक्ट पे ठीक है ठीक है इसी तरह कार्थेज भी है इस तरह हमारा और इसी तरह स्विफ्ट पैकेज मैनेजर भी है ठीक है कारथेज जो है ये हमारी ब्रू ब्रू बेस्ड बेस्ड होती होती है के होती है के थ्रू पे ये हमारी और स्विफ्ट पैकेज मैनेजर का मैंने कभी किया नहीं इसको जरूरत नहीं पड़ी तो इसके भी पैकेज ही होते हैं आई थिंक सो उसमें यू आर डाल के आप एड कर सकते हैं ठीक है तो इसी तरह आपका कार्थेज भी पहले और स्विफ्ट पैकेज मैनेजर भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा ठीक है और फिर फिर किस पे इंस्टॉल होगा आपके एक्सकोर्ट के प्रोजेक्ट पे ठीक है और यही वही चार तरीके जो मैंने आपको हैं, ही तरीके यहां पे अगर आप है, है, है. है? इंटीग्रेट करने का तरीका बताया आप यूट्यूब का कोई ट्यूटोरियल देखें कि हाउ टू इंस्टॉल थर्ड पार्टी मैन्युअली तो वो वाला तरीका फॉलो कीजिएगा आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझ आ जाएगा ठीक है अब मैं स्कोर को बंद करने हूं मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने हूं स्टैटिक नहीं ऐप बनानी है हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम टेस्टिंग ठीक है इसको करेंगे नेक्स्ट नो 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 इसको डेस्कटॉप पे ही क्रिएट करेंगे यस yes. और ये मैंने एक नई ऐप बनाई है ठीक है ऐसी ही होती है अब मैंने इस पे क्या इंस्टॉल करना है कोको <coughs> पोर्ड्स और कोको आपने एवी नहीं हर प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना जब आपको जरूरत होगी तब भी इंस्टॉल करना है जरूरत के मुताबिक मतलब, जरूरत क्या मतलब जब आपने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंटीग्रेट करनी है तब भी करना है हमारे नेक्स्ट लेक्चर इसी पे हैं तो अगर आप काइंडली क्लास में आएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी उनकी ठीक है ठीक सर ये मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया यहाँ पे ये मैंने फाइल फा, फाइंडर में ओपन किया ठीक है तो ऐसे ही होता ना आपका एक फोल्डर होता, होता है और आपका एक प्रोजेक्ट होता है ठीक है जी अच्छा सबसे पहले अब मैं लिनक्स की थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा दूं मैं आप लोगों को ठीक है अगर मैं अब मैं 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 करना क्या चाह रहा हूं मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैं इस 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 फोल्डर के अंदर जाना चाह रहा हूं विद हेल्प ऑफ टर्मिनल ठीक है मतलब कि मैं इस फोल्डर के अंदर जा, जाना चाह रहा हूं विद 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 टर्मिनल ठीक है कमांड लाइन के थ्रू मैं टेस्टिंग के फोल्डर के अंदर जाना चाह रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एल एस क्या बताएगा एल आपको बताएगा कि आपकी डायरेक्टरी का है। है? लिस्ट बता देगा कि आप किस डायरेक्टरी में हो ठीक है तो अगर आप यहां देखें तो मैं किस डायरेक्टरी में हूं मैं ओपन खोल लेता हूँ न्यू स्मार्ट फोल्डर मैं हूं यहाँ पे सॉरी इधर नहीं हूं मैं यहां पे हूं मैक बेसिक पे ठीक है मैक बेसिक पे अगर आप देखेंगे मैं हूं यहां पे यूजर्स में यूजर्स में हूं मैं ऐप में हाँ तो ये मेरी डायरेक्टरी अगर आप यहां देखें तो मेरे फोल्डर्स यहां पे सेम आ रहे हैं एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप डाउनलोड लाइब्रेरी मूवीज ठीक है इस डायरेक्टरी में हूं मैं इसके बाद में क्या करूंगा मैं जाना चाह रहा हूं डेस्कटॉप पे ठीक है तो मैं करूंगा सी डी इज फॉर चेंजिंग अ डायरेक्टरी अगर आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं ठीक है सी डी आप करेंगे डी ई एस के अच्छा अगर मैं डी करूंगा फॉर एग्जाम्पल और मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा डी के बाद टैब का बटन प्रेस करूंगा डी के बाद ठीक है तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा कि किस फोल्डर में आपने जाना है ठीक है अगर मैं कोई यूनिक कर देता हूं डी ई -E, ठीक है डीओ और डी ओ मेरा सेम है डीई -E मेरा डिफरेंट है ना वर्डिंग में डेस्कटॉप में ठीक है और जब मैं टैब प्रेस करूंगा इसके साथ तो ये ऑटोमेटिकली उस फोल्डर का नाम आपको ऑटोफिल कर देगा ठीक है ठीक है टैब के साथ ये होता है और फिर आप एंटर करेंगे तो मैं अब किस किसमें आगे हूं देखें आप ये मेरा जो लेफ्टली जो लाइन थी वो चेंज हो गई है ये आपको डायरेक्टरी बता रही होती है बेसिकली आप कहां पे हो ठीक है तो अब मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के फोल्डर में डेस्कटॉप में जब मैं एलएस करूंगा ये देखें ये उसने क्या कर दिया मुझे जितने भी मेरे डेस्कटॉप पे मेरे पास जितनी फाइल्स थी उसने सारी ओपन कर दी अब मैं यहाँ से आपको वेरीफाई करके दिखा दू पे ओपन हुई है मगर ये UI, ये यूवाई बेस्ड है और ये मेरे ये ग्राफिकल ग्राफिकल कॉन्टेंट के बगैर है ठीक है और जितने भी आपके सर्वर्स वगैरह है ना 95% आपके सर्वर्स किस पे रन कर रहे हैं लिनक्स लिनिक्स किसी किसी फ्लेवर पे रन कर रहे हैं या यूवन होगी या कोई भी फ्लेवर रेड हैड होगी कोई भी फ्लेवर हो सकता है आपका ठीक है और आपकी जो यू आई होती है वो यही होती है सर्वर्स पे. ब्लैक एंड वाइट अच्छा अब मैंने जाना है फोल्डर के अंदर और कौन सा फोल्डर है वो ये टेस्टिंग का ठीक है फिर मैं करूंगा सी डी टी एस टी टैप प्रेस करूंगा एंटर हो जाऊंगा और मैं करूंगा दोबारा एल एस चेक करूंगा कि मैं डायरेक्टरी में गया हूं नहीं गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं सही डायरेक्टरी ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप है, है? तो मैंने आपको मैनुअल तरीका बताया दूसरा तरीका क्या है हमारे पास मैं सी डी करूंगा मैं अब आगे हूं रूट डायरेक्टरी के अंदर ठीक है ये जो आपका ये वाला साइन होता है ना आपका क्या कहते हैं उसको साइन का नाम भूल गया इसका स्पेशल होता है। इसका नाम हाँ मॉड होता है जी सर या हाँ, हाँ, जो है ना बेसिकली ये हमारा किस तो में चल गया ये रूट डायरेक्टरी में चला गया ठीक है इसको जब मैं करूंगा सी डी स्पेस तो जो डायरेक्टरी में मैंने जाना है तो मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जब करूंगा ना यहाँ पे तो मेरे पास इसकी डायरेक्टरी आ जाएगी यहां से। एंटर करूंगा एल एस करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं इस फोल्डर के अंदर ही चला गया ऐसे ही है? अच्छा इसके बाद हमने तीन कमांड्स चलानी है कोको पॉड्स के साथ ठीक है सबसे पहली कमांड कौन सी है पीओडी आई एन आई टी ये मैंने पॉड इनिशियलाइज़ करना है इसके अंदर ठीक है ये मैंने पॉट इनिशियलाइज किया जब मैं इसको एंटर करूंगा तो काइंडली फोल्डर की तरफ भी देखिएगा फोल्डर में क्या होगा हमारे पास ये जो राइट साइड में मैंने फोल्डर ओपन किया हुआ ठीक है इधर भी काइंडली देखिएगा क्या हो रहा है ठीक है अब मैं इसको एंटर करने लगा हूं फोल्डर की तरफ देखें क्या हुआ एक फाइल क्रिएट होगी ठीक है ये मैंने पॉड इनिशियलाइज किया तो पॉड मेरी बेसिकली इनिशलाइज हुआ सबसे पहले ठीक है।, है फिर मैं क्या करूंगा पॉड इन स्टॉल जो मैंने इनिशियलाइज किया फिर मैं क्या करूंगा पॉड इंस्टॉल रन करूंगा ये मेरी दूसरी कमांड है अब मैं एंटर दबाऊंगा देखिए क्या होगा आपके पास एक फोल्डर और दो फाइल्स बनी है एक्स्ट्रा ठीक है पॉड yes, इंस्टॉल के कमांड से तो टोटली totally आपके चार चीजें न्यू ऐड हुई हैं, एडिशन हुई है पॉड इनट से मेरा एक पॉड फाइल सबसे पहले जो ये है, ये ऐड हुआ है हमारा ठीक है फिर पॉड इंस्टॉल से एक ये वाली फाइल बनी है एक ये वाली फाइल बनी है हमारी और ये हमारा पॉड्स का एक फोल्डर बना ठीक है अब क्या हुआ है? अब हमारा ये कोको पॉड्स हमारा इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हुआ फॉलो करें आप बात को जी जी सर अच्छा अब हमारे पास इधर हमारे पास इंस्टॉल हो गया अब जो है अगर आप देख सकते हैं मैंने यहां पे ओपन किया हुआ था पुराने वाला एक्सपोर्ट का प्रोजेक्ट यही टेस्टिंग मैंने ओपन किया हुआ ठीक है मगर इसमें क्या है हमारे पास हमने ये ओपन किया हुआ कौन सा ये ब्लू वाला अब जब भी आपने कोकोपोर्ट का प्रोजेक्ट या पॉड इंस्टॉल हुआ प्रोजेक्ट आपको नजर आएगा कि हाँ भाई इसमें कोकोपोर्ड इंस्टॉल है तो आपने कभी भी ब्लू वाला नहीं खोलना आपने व्हाइट वाला खोलना आपने एक्सकोर्ट प्रोजेक्ट नहीं खोलना आपने एक्स सी वर्क स्पेस ओपन करना है आप ठीक सर इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह है कि बेसिकली बैकएंड पे क्या हुआ हमारे पास बैकएंड में ये हुआ है कि अब हमने जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह ऐड करनी है ना थर्ड पार्टी वो हम इस फाइल में करेंगे पॉड्स का प्रोजेक्ट है पॉड्स के प्रोजेक्ट के नीचे हमारे पास है पॉड फाइल ठीक है पॉड फाइल के अंदर इधर हम जो है ना फ्रेमवर्क्स ऐड करेंगे इस लाइन नंबर सिक्स के नीचे जितनी भी थर्ड पार्टी है ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू नॉट ओपन दिस वाइट फाइल तो उसपे क्या होगा मेरे साथ मेरे साथ ये होगा कि जब मैं एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट ओपन करूंगा तो इसमें मेरे पास कोई भी लाइब्रेरी इंटीग्रेट नजर हुई नहीं नजर आएगी मेरे पास मैंने अब ये वाला प्रोजेक्ट ओपन किया अच्छा सॉरी ये ये ओपन है इसलिए वो नजर नहीं आ रहा आपको इसको जो मैंने ओपन किया तो आप देखें वो दूसरा प्रोजेक्ट मेरे पास जो मैंने पॉड्स की फाइल है वो नहीं नजर आ रही मेरे पास यहां पे ऐसे ही है पॉड का ब्लू वाला प्रोजेक्ट नहीं नजर आ रहा मुझे मतलब के जितनी भी लाइब्रेरीज मैंने ऐड की है वो नहीं नजर आएंगी मेरे पास सिर्फ ये पॉड का फाइल एक नजर आएगा मुझे दैट्स ऑल तो ये आपका बेसिकली थर्ड पार्टी जितनी भी है वो नहीं यूज होंगी यहाँ पे ठीक है अच्छा फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर अब ये कोको पोर्ड्स इंस्टॉल हो गया मगर हम इसके अंदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी सब किस तरह इंस्टॉल करें अब ठीक है तो बहुत इजी सा है ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करने आनी चाहिए <coughs> अच्छा हमारे पास कोको पॉड्स में ना दो या तीन किस्म की वराइटियां होती हैं वो वराइटियां क्या होती हैं आपके पास कोको पॉड्स का जो अपनी वेबसाइट है इस पे भी और GitHub पे भी सेम डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी ठीक है ये मैंने एक लाइब्रेरी ओपन की हुई है जिसमें आप नेटवर्क रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे सारे ठीक है एक आपके पास हो जिसमें आपकी कोर फंक्शनैलिटी होगी कोर फंक्शनैलिटी से क्या मतलब आपका कि आपके बैकएंड के लिए ये हेल्प करेगा से क्या मतलब आपका बैकेंड से फॉर एग्जाम्पल uh, की कॉलिंग एच की कॉल बनानी है आपने सर्वर्स की कॉल करनी है ठीक है तो ये बनी बनाई लाइब्रेरीज हमारे पास ठीक है जो हम यूज करेंगे और सबसे फेमस लाइब्रेरी कौन सी है एल्मोफायर की नेटवर्किंग में ठीक है मैं सबसे पहले इसको कोको में भी ओपन कर लू ये हमारे पास सारी क्या आ गई ये बेसिकली डिक्शनरी है ठीक है या आप कह लें वो है ये गूगल है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के लिए ठीक है एल्मो फाइव मैंने ओपन यूज किया और ये फाइव पॉइंट फोर पॉइंट ओ वर्जन है इसका ठीक है अगर आप इसको देखें और इसको देखें ये डिटो सेम कॉपी है ठीक है चाहे ये पढ़ लें चाहे ये पढ़ लें देर बोथ हाँ आर द सेम ठीक है अगर आप देखें ये भी वर्जन कौन सा फाइव पॉइंट फोर पॉइंट ओ ये कौन सा वर्जन है फाइव पॉइंट फोर पॉइंट ओ ठीक है ये फीचर्स हैं ये कॉम्पोन है सेम लाइन टू लाइन ये सारी चीजें सेम है कलर सिर्फ डिफरेंट है यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम है या देख सकते हैं लार्ज लार्ज टूल्स और ये इंट्रोडक्शन <laughs> इधर भी यही आ रहा आपके पास ठीक है तो दे आर बोथ द सेम ये फीचर्स आ गए हमारे पास ठीक है ये लाइब्रेरी जो है हमारे पास ये काफी मच्योर लाइब्रेरी है इसलिए हमारे पास इतनी वर्डिंग वगैरह आ रही है हमारे पास ठीक है और इतनी हमारे पास सपोर्ट भी आ रही है रिक्वायरमेंट्स भी आपके पास आएंगे तो लाजमी जब आपने इंस्टॉल भी करना है तो आपने रिक्वायरमेंट्स लाजमी मैच करनी है ठीक है रिक्वायरमेंट्स से क्या मतलब है कि बेसिकली आपके पास ये 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 वर्जन जब आपने ओपन किया एलमोफायर का फाइव पॉइंट फोर वाला फाइव पॉइंट टू आई थिंक था हाँ फाइव पॉइंट फोर ठीक है फाइव पॉइंट फोर वर्जन में हमारे पास आईओएस का वर्जन टेन टेन पॉइंट ओ से बब होना चाहिए ठीक है अभी आईओ का वर्जन कौन सा चल रहा है 13. 14. 13, 14? 14. 14 चल ठीक है, है? 14. हाँ, 14 आया अभी ठीक है तो आईओ एस फोर्टीन से मतलब के आप अगर चार साल पीछे चल रहे हैं तो आईओ एस टेन चल रहा है 10 से होनी चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट आईओ एस टेन होना चाहिए मैक का ये वर्जन होना चाहिए टीवी ओएस के लिए चलाना तो ये वाला वर्जन होना चाहिए वॉच ओएस के लिए चलाना तो ये वाला वर्जन होना चाहिए ठीक है मतलब कि उसने मैक का भी बता दिया अगर आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं टीवी का भी बता दिया और वॉच का भी बता दिया हमने कौन सा देखना हमने आईओएस का देखना ठीक है एक्सकोर्ट का वर्जन कौन सा होना चाहिए ये स्विफ्ट का वर्जन क्या होना चाहिए फाइव पॉइंट वन ठीक है ये माइग्रेशन गाइड्स भी है फॉर एक्जाम्पल अगर आपने पुराना प्र, आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट है ठीक है और आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं ठीक है तो आप उसका माइग्रेशन गाइड भी पढ़ सकते हैं ठीक है उसी चीज को फॉलो करके आप अपनी माइग्रेशन करेंगे के पुराने वर्जन से, वर्जन से लेटेस्ट ठीक है थे ये थे 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 आप बस उसकी कम्युनिकेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ से एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है और डॉक्यूमेंटेशन ये एप्पल डॉक्यूमेंटेशन यू आर एल से एपल की जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन है ये सारे एप्पल की भी हैं आपके पास फॉर एग्जांपल अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये आपको आदत होनी चाहिए पढ़ने की इसकी ठीक है या आप पढ़ेंगे मगर आप वही चीज पढ़ेंगे जिसमें आप इसको यूज करेंगे उसी लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना आप लोग और आप जब इंटीग्रेशन करेंगे ना किसी भी कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको लाजमी उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी ओवरव्यू देखना पड़ेगा उसको कि किस तरह ये काम करें और हम इसको किस तरह इंप्लीमेंट करें ठीक है तो ये बेसिकली जो है ये एप्पल का जो है ना ये अपना जो है ना यू लोडिंग का सिस्टम है उसका ये आर्किटेक्चर है हम इस तरह इस तरह करें ये उसके फंक्शन सारे ये एप्पल की डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास ठीक है कोई भी लाइब्रेरी आप बनाएंगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी ये एप्पल की डॉक्यूमेंटेशन है और ये हमारे पास किसकी है ये हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन है सारी ठीक है तो बेसिकली ये बताएगा अगर आपने ये वाली फंक्शनैलिटी यूज करनी तो <coughs> है तो हम इस तरह यूज करेंगे ये वाली फंक्शनैलिटी यूज करनी है तो हम इस तरह इस तरह यूज करेंगे इसको ठीक है ये हम सारा स्टडी करेंगे जब मैं फेसबुक की कराऊंगा ना जो मैंने लेक्चर स्वैप किया है हमारा ठीक है नाइन्थ और इलेवंथ उसमें मैं आपको ये कराऊंगा ठीक है तो आपने घबराना नहीं है कि सारी इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करेंगे कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे ठीक है अच्छा ये हमारी कम्युनिकेशन है अच्छा इसमें इंस्टॉलेशन के मेथड्स आ गए हमारे पास कि कोको ये ये लाइब्रेरी जो है एल्मोफायरी किस किस मेथड से इंस्टॉल हो सकता है ये कोकोबॉट का मेथड है ये हमारे पास कार्ट्रिज का मेथड है ये हमारे पास स्विफ्ट पैकेज मैनेजर का मेथड है और ये मैन्युअली का मेथड है हमारे पास ठीक है तो आपके पास जो भी मेथड है आपने इसको कॉपी करना है यहां से ये आ रहा हमारे पास पॉड ये आपने कॉपी करना है ठीक है और आपने ये वाली बड़ी पे इंसर्ट करना आपने अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है प्रोजेक्ट कौन सा ओपन करना है कोई बता सकता है कौन सा प्रोजेक्ट ओपन करेंगे हमारे पास प्रोजेक्ट दो होते हैं ना हमारे पास कौन सा वाला ओपन करूंगा मैं से ये ब्लू वाला या व्हाइट वाला व्हाइट वाला व्हाइट वाला वाला जो ओपन करेंगे इसके अंदर हमारे पास आएगी पॉड फाइल ठीक है पॉड फाइल के अंदर हमारे पास हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको ठीक है इसको कमांड एस करेंगे इसको हम क्लोज करेंगे अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे इस एल्मोफाइल को इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे इस डायरेक्टरी में जाएंगे सर रिपीट कीजिए मिनट अच्छा अब मैंने क्या किया सर अब मैंने सबसे पहले ये किया मैंने इसके अंदर ये एल्मोफाइड लिख दिए यहां पे ऐसे ही है अब मैंने एलमोफाइल को इंस्टॉल करना है इसको आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ठीक है जो हमने गूगल से देखा था उसकी डॉक्यूमेंटेशन के इफ यू वांट टू इंस्टॉल दिस इफ दिस लाइब्रेरी यू हैव टू कॉपी दिस ठीक है वेंस यू कॉपी दिस देन यू हैव टू पेस्ट इट ओवर हियर अंडर लाइन नंबर सिक्स इन द प्रोजेक्ट पॉड्स अंडर इन द फाइल पॉड फाइल ठीक है Okay? Close close दोबारा उसकी डायरेक्टरी में जाना है ठीक है डायरेक्टरी में जाएंगे तो सी डी करेंगे टेस्टिंग के अंदर जाएंगे इसको हम एंटर करेंगे एल एस करेंगे तो हम देखेंगे हम इस फोल्डर के अंदर ही है ठीक है तो हमारा स्टोर हो गया इसके बाद हम दोबारा जो है पॉड इंस्टॉल की कमांड दोबारा रन करेंगे जब पॉड की इंस्टॉल की कमांड मैंने दोबारा रन किया ठीक है तो इसने क्या किया इसने मुझे वैसे मुझे एरर दे दिया नॉट कंपेटेबल ये 5.4 लिखा जाएगा यहाँ पे यार गिव मी अ सेकंड गिव मी अ सेकंड ये 5.2 कह रहा है व्हाई इज दिस व्हाई इज दिस व्हाई से के... अच्छा ये मैंने क्या दिया मैंने ये स्पेसिफिक वर्जन दिया हुआ यहाँ पे ठीक है अगर ये वाला एरो लगाओ ठीक है उसका सिंटेक्स ये होगा अगर आपने स्पेसिफिक वर्जन करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर आप फोर पॉइंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्जन है ठीक है आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से वरना अगर आप लेटेस्ट वर्जन करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं ठीक है इससे क्या होगा लेटेस्ट वर्जन हमारा इंस्टॉल होगा इसमें जो भी लेटेस्ट वर्जन है हमारा हुआ है। अब मैं दोबारा करूंगा पॉड ये देखिए अभी कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ हमारा फाइव पॉइंट ओ पॉइंट ओ ठीक है अच्छा इसको थोड़ा टाइम लग सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि ये सबसे पहले आपका डाउनलोड होगा आपके सिस्टम पे फिर ये वहां से कॉपी बना के अपने प्रोजेक्ट में चिपका देगा ठीक है ठीक सर। सर। है कौन सा आपका फाइव पॉइंट फोर आपका जो डाउनलोड हुआ है आपका आपका इसलिए डाउनलोड हुआ है क्योंकि आई थिंक so, मेरा जो कोको वर्जन है वो पुराना वर्जन है मुझे कोकोबोर्ड से अपडेट करना पड़ेगा ठीक है इसलिए आपका 5.4 और मेरा 5.0 हुआ ठीक ठीक है? थीक है। अच्छा फिर आपने दोबारा जब कोड ओपन करना है आपने इधर जाना है आपने अपने व्यू कंट्रोलर में जाना है फॉर एग्जाम्पल आपने चेक करना है कि इसमें इम्पोर्ट भी हुआ कि नहीं हुआ अच्छा एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ टेस्टिंग में जाएंगे ना तो अगर आप उसमें जाएंगे ये पोर्ट की फाइल है तो पोर्ट में आपके पास ये एल्मो फाइल की लाइब्रेरी ये लाइब्रेरी आपके पास इंस्टॉल हुई है ठीक है और ये सारी क्या है ये स्विफ्ट है ठीक है किसी थर्ड पार्टी डेवलपर ने रहमत किया और ये हमारे लिए ये उसने सारा बना दिया और ये हमारा कोड में एड हो गया ठीक है अच्छा व्यू कंट्रोलर में इम्पोर्ट ये देखे एल्मोफाइल आ रहा है आपके पास यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है फॉर एग्जाम्पल में एलमोफायर का कोई भी फंक्शन यूज करना चाह रहे हो वो उसके डिफरेंट तरीका है तो इस तरह ये बेसिकली जो है ना आपका आप जो है ना एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं है? ठीक है अच्छा इसमें बहुत फेमस एक एरर आता है आप लोगों का क्योंकि ये एप्पल का नहीं है ये बेसिकली थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की सपोर्ट ना कभी कभी लैगेश लैग करती है ठीक है क्योंकि ये एप्पल की तो है नहीं ठीक है तो इसमें आपने ना दो जो है ना शॉर्टकट साहब लाजमी याद रखना है। कौन कौन से एक होता है कमांड शिफ्ट के इसको करेंगे तो आपका ये प्रोजेक्ट क्लीन होगा और ये देखो ये एरर आ गया मेरे पास कौन सा एरर आ गया नो सच मॉड्यूल एल्मोफायर ये एरर बहुत कॉमन है आपका

क्योंकि कोकोबोर्ड्स नॉन एप्पल है ये थर्ड पार्टी है ठीक है तो एक्सकोड इसको इतना सपोर्ट नहीं करता ठीक है तो जब भी आपने दोबारा प्रोजेक्ट जब भी आपने क्लोज करके दोबारा ओपन करना आपने प्रोजेक्ट को ठीक है तो आपने लाजमी कमांड शिफ्ट के क्लीन फिर आपने कमांड शिफ्ट बी जो है ना बिल्ड करना दोबारा ठीक है अगर आपको नहीं याद होते स्टार्टिंग पे तो इसके लिए ये होता है हमारे पास के क्लीन का किसके अंदर होता है सी एल ई एन ये देखो क्लीन बिल्ड फोल्डर है प्रोडक्ट के अंदर ही आ रहा है क्लीन बिल्ड फोल्डर तो सबसे पहले आपने ये करना है क्लीन करना है फिर आपने क्या करना है उसको बिल्ड करना है दोबारा ठीक है तो 80 टू 90 बल्कि 90 परसेंट ऑफ द टाइम आपका ये एरर चला जाएगा अगर आपका एरर नहीं जाएगा तो आपने इसको दोबारा क्लीन करके बिल्ड करना है और ये आपका एरर चला जाएगा ठीक है ठीक सर क्योंकि बेसिकली होता क्या है बैक एंड पे अगर हम देखें तो उसकी रजिस्ट्री फाइल्स होती हैं हमारी ठीक है तो वो बेसिकली एसोसिएट हुई होती हैं हमारे एक्सकोर के प्रोजेक्ट के साथ ठीक है तो कभी कभी कैशे एक्सटेंड करने के लिए या कोई प्रोजेक्ट नोट नहीं मिला होता कुछ होता है तो उसकी वजह से वो एल आपका डिस्प्ले जाता है आईडी का ठीक है क्योंकि कोकोबोर्स थर्ड पार्टी है और आईवस वैसे भी अगर क्लोज क्लोज सोर्स होने की वजह से वो इतना फिजिबिलिटी नहीं देता तो उसकी वजह से ही आपके एरर्स वगैरह आते हैं ठीक है सर अगर ये क्लीन करने के बाद भी वो एरर आ रहा हो तो उसको हमने इग्नोर करके बिल्ड कर देना है हाँ क्लीन करके बिल्ड करना है बिल्ड पे वो नाइनटी फाइव परसेंट आपका एरर वो गायब हो जाएगा ठीक है ठीक है हाँ जी और एरर कौन सा आएगा नो मॉड्यूल फाउंड जी अगर वही एर तो अगर वो एरर आप कमांड सॉरी और बिल्ड करके बगैर भी नहीं जाता तो आप उसको रन भी करेंगे तो आपका रन हो जाएगा आपका वो एरर बाईपास हो जाएगा ठीक है ठीक है वो सिर्फ यही एरर आपका नो मॉड्यूल फाउंड का ठीक है बाकी एरर्स जो हैं वो आपके आईडी के एरर्स होंगे वो आपने फिक्स करने हैं ये सिर्फ एक एरर का बताया मैंने आप लोगों को तो, ठीक है ठीक अच्छा इसमें ना थोड़ी बहुत मैं आपको थोड़े शशके भी देता दू कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं हमारे पास क्या क्या सहूलत है अच्छा अब मुझे लाइब्रेरीज़ के नाम भी याद करने पड़ेंगे टेक्स्ट फील्ड एफ आई फील्ड स्विफ्ट Guy wise, guy one is nice. ये हमारे जो था ये बैक एंड का था ये हमारे फ्रंट एंड के थोड़े शशके हैं ठीक है कहते ना ये शशके मारने प्रोजेक्ट में ये करना है वो करना है तो ये लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हैं ठीक है अगर आप इस तरह का फ्रंट एंड बनाना चाह रहे हैं टेक्स फील्ड का तो देखो ना ये काफी मजदार सा लग रहा है अच्छा सा लग रहा है ठीक है आप इस पर क्लिक करें तो ये हाईलाइट हो रहा है ठीक है क्लिक करें तो वो डीलाइट इस तरह वो इस तरह आपके पास आ रहा है ठीक है अगर आप इस तरह का करना चाह रहे हैं तो आप ये सिंपली ये लाइब्रेरी आप ऐड कर सकते हैं उसका यूजेज आ गया यहाँ पे कि किस तरह यूज करना है ये इसका तरीका है यूज करने का ठीक है कलर्स भी दे सकते हैं ये सारा कोड उसने सैंपल दिया हुआ है बेसिकली आपको ठीक है एक हाँ एक और बात यार ब्रो बात सारी ये है कि आपके पास लाजमी जो है ना ये फाइल अगर आप कोड डाउनलोड भी करेंगे ना तो इसके साथ लाजमी एक टेम्पलेट होता है

और ये आपको वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे वैसे नहीं ये चीजें सीखेंगे कि कौन सी लाइब्रेरी कैसे यूज हो रहा है कैसे नहीं यूज हो रहा तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता सीखेंगे अच्छा इसमें होती हैं दो चीजें में सेकेंड में इसको ना इंस्टॉल कर देता हूँ ये कोको का है ठीक है इसको हम निक्विड करना है ये कोड ओपन करें हमारा एक्स कोड मैं इसको रन करके दिखाता हूँ उसको दो तरीके होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए

ठीक है एल एस किया find, हाँ उसी डायरेक्टरी में वो मैं दोबारा क्या करूंगा पॉड इंस्टॉल एंटर करूंगा अब दोबारा वो देखें ये मेरा एनालाइजिंग डिपेंडेंसीज आ गई है और ये मेरा ये आपने ध्यान रखना है इसमें कभी कभी टाइम लगेगा ये आपका एक्स ये एक्स ये बोर्ड करेगा क्या गुट हब से ये आपकी फाइल डाउनलोड करके फिर आपके सिस्टम में लेके आएगा ठीक है या अच्छा इंस्टॉल हो गया हमारा ग्रीन आ गया ये फिर मैं दोबारा इसको ओपन करूंगा टेस्टिंग में जाऊंगा और ये देखिए मेरा दूसरा फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे ठीक है ऐसे ही है अच्छा फ्रंट एंड जाएं, में जाए मेन स्टोरी बोर्ड में अगर हम जाते हैं ये ओपन हो जाए हमारे पास तो क्या ही बात है ये ओपन हो गया हमारे पास ठीक है इस पे मैं जाता हूँ एक टेक्स्ट फील्ड में बनाता हूँ यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दिया है ओके ठीक है और इधर मैं अगर क्लास देता हूं ये मैंने क्लास दे दी यहां पे ठीक है किसी में ऑप्शन होगी क्लास देने की किसी में ऑप्शन नहीं होगी क्लास देने की इसकी सेटिंग्स पे आप जाएं अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास किसकी सेटिंग्स हैं टेक्स फील्ड की अगर मैं इसको क्लास दूंगा स्काई वाली तो आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग्स अपडेट हो गई हैं और काफी ज्यादा सेटिंग्स आ गई हैं इसके अंदर ठीक है तो कुछ आपकी लाइब्रेरीज होंगी जिसकी आप क्लास यहां पे फ्रंट एंड पे एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिकली दे सपोर्ट योर स्टोरी बोर्डिंग कुछ आपकी होंगी जो सपोर्ट नहीं करेंगी ठीक है वो आपको बैकहेंड से ही करना पड़ेगा वाया कोड ही करना पड़ेगा ठीक है इधर आ भी ये पहले शशका नहीं था ये अब शशका गया डिजाइनेबल्स डेट मतलब कि आप ये फ्रंट एंड से से भी से भी इधर चेंजेस कर सकते हैं अपने ठीक है टाइटल कलर में कहता हूँ रेड कर लेता हूँ है? है, तो मैं, मैं ब्लैक कर देता हूँ लाइन कलर में कहता हूँ दे यार ये मेरा लिंक कलर कर दे ब्लू कलर कर दे ये कलर कर दे एरर कलर में कहता हूँ एरर कलर मेरा कर दे ग्रे कर दे कुछ भी है ठीक है टेक्स्ट आ गया है प्लेस होल्डर आ गया है वह ठीक है इस तरह तो आप ये के जो है ना ये कर सकते हैं आप ठीक है समझ आ रही है आप लोगों को जी सर तो आपके ये लाजमी नहीं है कि आपकी हर लाइब्रेरी जो है एंड की वो आपके इसको सपोर्ट करती हो किसको को बुला स्टोरी बोर्डिंग को ठीक है और इसी तरह आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं ठीक है एक ड्रॉप डाउन का था ड्रॉप डाउन का भी आपको दिखा दूं एक जरा तो आपने जो भी आपको चाहिए ना तो आप लिखेंगे ड्रॉप डाउन स्विफ्ट गिट हब गिट हब लिख दें या कोकोपोर्ट लिख दें आपके पास सारी उसकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आ जाएंगी ये लाजमी नहीं है कि जो मैं ही चूज करना चाहूँगा मैं इसलिए चूज करूं क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है ठीक है वो भी आपको एक्सपीरियंस के साथ नजर आएगी स्विफ्ट में नहीं आ गए कुछ नए भी आ गए होंगे काफी सारे लाजमी नहीं है ये देखें ये लाइब्रेरी है ड्रॉप डाउन की ठीक है ये ड्रॉप डाउन की है शख्स की अगर आप ड्रॉप डाउन लगाना चाह रहे हैं इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसके थ्रू करना चाह रहे हैं अच्छा ये आप लोग जेन में रखें ये सारा काम जो है ये स्विफ्ट में ही हुआ हुआ है ठीक है आप इन सब काम को इन सब चीजों को जो लाइब्रेरी का काम है आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं ठीक है मगर मैन्युअली करने के लिए उसकी टाइम और एफर्ट बहुत ज्यादा है ठीक है तो उसमें होता क्या है आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं आपके काफी अच्छी लाइब्रेरीज भी हैं कि जो आ, काफी सपोर्टेड होती हैं और काफी ऑन द टॉप ऑफ द लाइन आपको सपोर्ट भी देती रहती हैं तो इस तरह की लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा हैं मार्केट में जो आप यूज कर सकते हैं जब आप एक दफा बना लेंगे जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको इजिली पता चलेगा यार ये वाली लाइब्रेरी यूज करनी है ये वाली लाइब्रेरी यूज करनी है ये इस तरह की आपके ड्रॉप डाउन बन जाएंगे ठीक है तो सिंपली आप इसको एड करेंगे वो आपको तरीका बताएगा किस तरह इसको यूज करेंगे ये स्टोरी बोर्ड की देखो ये सपोर्ट दे रहा है आपको या आपको जिफ्ट बना के दिखाइए ठीक है, है इसी तरह हमारे पास ये एक और ड्रॉप डाउन है ये उसके ड्रॉप डाउन का एग्जाम्पल है आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं तब भी रन कर सकते हैं इसको सॉरी ठीक है तो ये उसकी जिफ्ट चल रही है कि अगर आपको ये वाला यूआई चाहिए तो इस तरह का यूआई मिल जाएगा आपको ठीक है अगर ये वाला चाहिए तो इस तरह का यू मिल जाएगा आपको तो ये आपके पास ऑप्शन है और उसका कोड भी आपको अवेलेबल है नीचे ठीक है किसी का कोई क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग हो सर ये जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हम परमिशन भी देते दे हैं दे, और यार मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट भूल गया आपके प्रीवियस लेक्चर में से कैमरे वाला इंप्लीमेंट हो गया आप लोगों से कैमरे वाला हो इंप्लीमेंट हो गया दोनों आतिफ आपसे हुआ कैमरे वाला जी कल आपने कोड दिया वही क्लिक बस सीधा रन किया आपने जी सर सही चल रहा था अच्छा हाँ तो हसीब इसमें परमिशन देनी देनी पड़ती है मैं एक चीज भूल गया हूँ आप लोगों के लिए जो आपकी परमिशन है वो मैं आपको चलो अभी आपको बता ही देता हूँ वो मेरे मुझे मैं याद है वो कल मैंने बताया प्रीवियस कल मैंने लेक्चर में बताया नहीं आप लोगों को तो आपको कोर्ट तो चलना ही नहीं चाहिए आप लोगों का

इनफो प्ले लिस्ट ओपन करने के दो तरीके हैं ठीक है uh, तो आपने बेसिकली आपने यहाँ पे देना है दो ऐड करनी है आपने सिंपली यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी लिस्ट में आपने ऐड का बटन दबाना है आपने लिखना है यहाँ पे प्राइवेसी और प्राइवेसी प्राइवेसी की स्पेलिंग गलत हैं पी आर आई वी ए सी वाई प्राइवेसी में आपके पास ये सारे आ जाएंगे ये तो ज्यादा वाली बात है ब्रो ये बहुत नीचे जाना पड़ेगा ये सारे हैं ये सारी परमिशन आपकी बेसिकली ठीक है एक्सेस टू फाइल जब भी आपने कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने कोई चीज एक्सेस करनी है तो आपको उसको परमिशन देनी चाहिए ठीक है जिस तरह होता नहीं आप कोई व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए या फेसबुक करते हैं वो आपके माइक्रोफोन का मांगता का है लोकेशन का मांगता है फोटो लाइब्रेरी का मांगता है ठीक है तो ये आपने परमिशन देनी है तो इसके लिए दो परमिशन है जो आपने लाजमी देनी है जो आपने जो मैंने आपको कल पढ़ाया था एक है फोटो लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन और एक है कैमरा डिस्क्रिप्शन तो कैमरा कैमरा को यूज करने की ज्यादा पूछेगा और प्राइवेसी जो जो फोटो लाइब्रेरी की आपको फोटो लाइब्रेरी का पूछेगा ठीक है तो आगे आपने दोनों ये ऐड करनी है इसमें आपने वैल्यू देनी है यहाँ पे ठीक है जो मर्जी दे दें सिंपल सा दे दें फिलहाल ठीक है मे द एक्सेस योर लाइब्रेरी मे द एक्सेस योर कैमरा ठीक है आप ये देंगे इसको जब फर्स्ट टाइम आप रन करेंगे तो आपसे वो परमिशन पूछेगा पहली दफा सिमलेटर में भी पूछेगा ठीक है जो एरर आप लोगों का वो एरर आपका यहां से चला जाएगा ठीक है सी थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट आई मिस दिस यस्टरडे माय बैड